हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि 8 मई से लेकर 14 मई तक का करंट अफेयर्स रहने वाला है। इससे पहले मैंने आप लोग को 1 से 7 मई तक के करंट अफेयर्स करा दिए थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और जो भी मई के इंपॉर्टेंट डेट्स थे बेटा, वो हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, ठीक है। और आज जो है हम लोग 8 से लेकर 14 मई तक का करेंगे। प्लान बेटा ये है कि वीकली करंट अफेयर्स आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें 4 वीडियो में पूरा 1 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐड ऑन किए हैं, ताकि ना ही इंग्लिश वालों को कोई परेशानी हो ना ही हिंदी वालों को कोई परेशानी हो, ठीक है। और इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा, कॉपी आप लोग की चेक भी की जा सकती है। चलिए क्लास, तो स्क्रीन को करते हैं शेयर बिना टाइम को वेस्ट किए। आई होप मेरी आवाज आप लोग को आ रही होगी, स्क्रीन विजिबल होगी। मैं कर देता हूँ इसको बड़ा और अपने आप को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जब तो जैसा कि मैंने आप लोग से कहा है कि 8 मई से लेकर 14 मई तक का जो है करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं 2023 का। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा क्वेश्चंस के साथ। चैनल का नाम आप लोग को पता ही है, एडियो स्मार्ट वर्ल्ड। और टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हो, जाकर सर्च करिए मेरा नाम हसनैन, आपको एक चैनल मिलेगा जीएस बाय हसनैन अली, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल रहेगा बेटा ये पूरा, ठीक है। और मेरा ये स्टेटमेंट तो आप लोग को पता ही है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रिपरेशन रद्द कर दो। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। उससे पहले आप सबका वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम, ठीक है, और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया। चैनल हमारा मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है, इस मोनेटाइजेशन पे एक वीडियो आप लोग को जल्दी ही मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, विंड हुक डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। विंड हुक डेक्लेरेशन जो कि हाल ही में जो है न्यूज में देखा गया है, ये बेटा किससे संबंधित है, ये सवाल पूछा जा रहा है ना। हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। खबरों में दिखा विंड हुक डेक्लेरेशन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो क्या वो इन्वायरमेंट से है, क्या वो प्रेस फ्रीडम से है, क्या वो फाइनेंस या पॉलिटिक्स से है। कमेंट करिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा या 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग अपने कमेंट्स जो है दे सकते हो। तो याद करो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को कुछ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बताया था। तो ये जो विंड हुक डिक्लेरेशन है बेटा, ये किससे संबंधित है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और जल्दी से जो है कमेंट करके बताओ बेटा मेरे को आप लोग कि इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंक है, जल्दी से बताओ बेटा, रैंक ऑफ इंडिया। जब तक मैं आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। विंड हुक डिक्लेरेशन विच वॉज एडॉप्टेड इन 1991 प्रोवाइड्स 19 प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट प्लूरियलिस्टिक एंड फ्री प्रेस। इट्स एडॉप्शन इज कमेमोरेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन 3 मई। ये भी मैंने आप लोग को जो है लास्ट लेक्चर में बताया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। और इस बार बेटा 20th एनिवर्सरी को जो है क्या किया गया, सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे, ठीक है। तो इंडिया की रैंक वेरी गुड बेटा, कितनी है, 161 है, 152 से घट के जो है 161 हो गई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो नोट डाउन करोगे, क्वेश्चंस लिखोगे, क्वेश्चन का आंसर लिखोगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिले किसमें से एक्सप्लेनेशन में उसको लिखोगे। जैसे कब मनाया जाता है, 30 मई, 3 मई को मनाया जाता है, और इस बार जो है 30th एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट किया गया है। आ रही बात समझ में आप लोग को। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। हाँ चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। उससे पहले इसको हटाना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। चल भाई,
हाँ, विच टर्म डिनोट्स द न्यू टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन सॉलिड? कौन सा टर्म है बेटा जो डिनोट करता है सॉलिड्स में न्यू टाइप ऑफ बॉन्डिंग? तो एक नया टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो है हम लोग ने जाना है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट आंसर आया एकदम आपका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटा वैलेंट बॉन्डिंग। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका? मेटा वैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मेटावेलेंट बॉन्डिंग इज अ न्यू टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। ये सॉलिड में जो है नया टाइप का बॉन्डिंग है। दिस बॉन्डिंग कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाइड द थर्मो इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस इन क्वांटम मटेरियल्स एंड एफिशिएंटली कन्वर्ट वेस्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है, जो भी आपका वेस्ट हीट होता है उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो वेस्ट का भी जो है यूज हो जा रहा है। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ नोवेल केमिकल बॉन्डिंग कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज थर्मो इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस इन क्वांटम मटेरियल यूजिंग टी बी एस ई टू आर रेनोवेटेड टोपोलॉजिकल इंसुलेटर। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोग ये लिख लेना, ये टी बी एस ई टू जो है बेटा एक तरीके का इंसुलेटर है जिसका इस्तेमाल जो है किसमें किया जा रहा है, तो वेस्ट हीट को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, तो नया टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो है सॉलिड में क्या है बेटा? तो उसका नाम है मेटा वैलेंट बॉन्डिंग। क्या नाम है बेटा? मेटा वैलेंट बॉन्डिंग। नोट डाउन करेंगे आप लोग, देन अपन लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, आप पीछे कर देते हैं ताकि जिन लोगों ने नोट ना किया हो नोट डाउन कर लो। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। बीच बीच में मैंने जो है ऐसे जो है कई सारे पेजेस लगा रखे हैं जिससे आप लोग का बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कि 15/5/2023 आज तारीख है ना, और इस 15 तारीख को क्या क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो 1873 में बेटा द प्रपोजल टू डिसॉल्व ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज पास इन इंग्लैंड, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है खत्म करने की जो है प्रपोजल जो है दिया गया था भाई भारत में। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई बेटा कई सालों तक की जो है ट्रेड की और कई सारे जो है फैक्ट्रीज का जो है सेटअप किया, है ना, इसी को जो है डिसॉल्व करने की जो है मांग की गई थी। इसके अलावा बेटा इन 1948 15/5 यानी कि 15 मई 1948 को डिक्लेरेशन ऑफ इसराइल स्टेटहुड इसराइल जो है आपका बना था। इसके अलावा बेटा इन 1949 मत्स्य यूनियन फॉर्मली मर्ज्ड विद ग्रेटर राजस्थान। ठीक है, तो भैया राजस्थान में जो है क्या मिल गया था? मत्स्य यूनियन जो है मिल गया था 1949 में इसी तारीख को 15 मई को। इसके अलावा बेटा इन 1958 गिफ्ट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो 1958 में बेटा गिफ्ट टैक्स भी जो है लगाया गया, कब? 15 तारीख को। और एक बड़ा ही फेमस किस्सा है ना, सचिन तेंदुलकर को जो है मिली थी गिफ्ट में फरारी और उस पर जो है इतना ज्यादा टैक्स लग गया था कि जो है सचिन तेंदुलकर जी ने जो है उस फरारी को लेने से मना कर दिया था। समझ रहे हैं आप लोग? इसके अलावा बेटा इन 1998 पंडित रवि शंकर सितार मैस्ट्रो रिसीव दी 1998 पोलर म्यूजिक अवार्ड। तो 15 ही तारीख को बेटा ये भी हुआ था, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये एक अच्छा पॉइंट था, ये एक अच्छा पॉइंट था, ये भी एक अच्छा पॉइंट था, और ये भी एक अच्छा पॉइंट था। नोट डाउन करोगे आप लोग, देन अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। हाँ, इनोवेशन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सिस्टम ITES इज कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? हिंदी पढ़ लेते हैं। परिवहन और ऊर्जा प्रणालियों के लिए नवाचार जिसे ITES कहते हैं भारत और किस देश का सहयोग है? उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से दी बताइए आप लोग। हम वेट कर रहे हैं। हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, शाबाश, कुछ लोग का आंसर आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है बेटा यहाँ पर। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम आर कोलैबोरेटिंग ऑन एन इनोवेशन पार्टनरशिप कॉल्ड इनोवेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सिस्टम ITES टू डेवलप मोर सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। द पार्टनरशिप इज बैक्ड बाय बोथ गवर्नमेंट कॉमा यूके रिसर्चर्स एंड इनोवेशन यूके आर आई।
एंड इन्वॉल्व्स इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स, काफी सारे लोग जो है इसमें क्या है इन्वॉल्व है। तो बस क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो, खत्म करो, ठीक है। ITES का फुल फॉर्म जो है माइंड में रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सिस्टम। ITES का फुल फॉर्म क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सिस्टम। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज, कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में जो है इसको रिकॉर्ड किया है, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। गोवा है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, या सिक्किम है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कर्नाटका। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कायासनूर फॉरेस्ट डिजीज KFT इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स वाया दी टिक नेम्ड हीमाफाइसलिस स्पिनिगेरा। द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज कैन बी कवर्ड बाय रिस्टोरिंग कर्नाटका फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो है इसको जो है कैसे जो है क्योर किया जा सकता है, जब कर्नाटक के फॉरेस्ट क्या हो बेटा, रिस्टोर किया जा सके। द इनलेस नेम्ड कायसनूर फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट वर इट ओरिजिनेटेड एज अ हिमोरेजिक फीवर बॉर्न बाय द टिक हिमोफाइलेसिस स्पिनिगेरा। इट हैज अ फैटेलिटी रेट ऑफ 3 to 5%। तो फैटेलिटी रेट है, जैसे 100 100 में से 5 लोगों की जो है क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। नोट डाउन करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में KFD लिख लेना बेटा आप लोग, और वेस्टर्न घाट में जो है ये पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लो, मैं बता रहा हूँ, जो कर्नाटका है बेटा, कर्नाटका जो है ये एक प्रकार का प्लेट्यू है, ठीक है, जो कि किसमें आता है, जो कि आता है दक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। किसमें आता है बेटा, दक्कन प्लेट्यू में आता है ये, ठीक है। और दक्कन प्लेट्यू बेसिकली जो है तीन पठारों से मिलके बना है, एक है जिसे कहते हैं दक्कन ट्रैप, एक है जिसे कहते हैं कर्नाटका प्लेट्यू, और एक है जिसे क्या कहते हैं आंध्रा प्लेट्यू। ये जो कर्नाटका प्लेट्यू है बेटा, ये टच करता है किससे, ये टच करता है वेस्टर्न घाट से। किससे टच करता है, वेस्टर्न घाट से टच करता है। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस पूछा जाता है कि जो प्लेट्यू है और घाट का जो लिंक्ड एरिया है बेटा, उसे क्या कहते हैं। तो लिंक्ड एरिया ऑफ प्लेट्यू एंड घाट, या कर्नाटका प्लेट्यू एंड वेस्टर्न घाट, इज कॉल्ड मलनाद। क्या कहते हैं बेटा इसे, तो इसे मलनाद कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग लिख लेना, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बताया करें वो लिख लिया करो, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ होता है। हो गया, चल आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट है बेटा, क्रायोसैट इज अ प्रोग्राम एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। क्रायोसैट क्या है बेटा, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताइए, क्या वो नासा होगा, क्या वो ESA होगा, इसरो होगा, या जाक्सा होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा ESA। क्या होगा ना बेटा, ESA। ESA का फुल फॉर्म लिखोगे आप लोग बेटा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। क्रायोसैट इज एन यूरोपियन स्पेस एजेंसी अर्थ ऑब्जर्वर दैट कैरीज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेडार
एलिमीटर टू स्टडी द वेरिएशंस इन हाइट अमंग द प्लैनेट। कहाँ चले गए हो, चलो। Among the planet surface and the changes in ice field, it has tracked over 1 lakh or so glaciers are revealed that they have lost 2,720 billion tons of ice in a decade because of climate change. सोचिए बेटा, 2,720 billion tons जो है क्या ice जो है खत्म हुआ है 10 सालों के अंदर क्लाइमेट चेंज के वजह से। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, क्रायोसाइट एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अर्थ ऑब्जर्वर है ना, जो कि बेटा रेडार एलिमीटर है, और ये बेसिकली जो है स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है, प्लैनेट की सरफेस पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आइस फील्ड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो। ठीक है, तो क्रायोसाइट क्या है बेटा, क्रायोसाइट एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, और जिससे में जो है रेडार जो है जुड़ा होता है किसी हाइट पर, और वो जो है पृथ्वी की सतह पर क्या चेंज हो रहा है वो बताता है, मोस्टली जो है आइस फील्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये बताता है। समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके अलावा बेटा थर्ड ETWG अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी विल बिगिन इन मुंबई। ठीक है, तो ये कुछ मैं लगा दे रहा हूँ बीच बीच में आर्टिकल्स, 15 मई का ये आर्टिकल है। ठीक है, द थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ETWG, ETWG का जो है फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, ठीक है, अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी विल बिगन इन मुंबई। ठीक है, ये कहाँ से होगा बेटा, तो मुंबई में होगा। बस खाली ये पॉइंट आप लोग को लिखना है कि जो थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, जिसे ETWG कह रहे हैं, वो कहाँ पर होगा, वो आपका होगा मुंबई में। बाकी की कहानी है, लेकिन फिर भी जान लो। ओवर 100 डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग G20 मेंबर्स कंट्रीज, स्पेशल इनविटीज कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। इसके अलावा बेटा वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल इंडिया विल डेलिब्रेट ऑन प्रायोरिटी एरियाज ड्यूरिंग दी 3 डे मीटिंग। कितने दिन की मीटिंग होगी बेटा, 3 दिन की मीटिंग, ठीक है। और ETWG की जो मीट वो होने वाला है बेटा, वो कहाँ पर होगी, मुंबई में, ठीक है। बस मुंबई याद रखना, 3 दिन की मीटिंग होगी याद रखना, वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है ये याद रखना। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करते हैं, अपन लोग बढ़ेंगे बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर आईटी सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। हिंदी में पढ़ लेते हैं, किस संस्था ने पेश किया है के लिए व्यापक परीक्षण ढांचा स्टॉक एक्सचेंजों की आईटी सिस्टम में। ठीक है, तो किसने जो है ये विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, आईटी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा सेबी। वेरी गुड, शाबाश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बेटा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म बताओ अच्छे से सब लोग फटाफट कमेंट करो, मैं कमेंट जो है वेट कर रहा हूँ आप लोग का। सेबी का फुल फॉर्म बताइए आप, सेबी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर आईटी सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा बेटा इट विल कवर स्टॉक एक्सचेंजेस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिटर्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो कहने का मतलब क्या है, सेबी ने जो है आईटी सिस्टम के जो फ्रेमवर्क है बेटा, उसके लिए जो है एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है चलाया है, किसके लिए, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। भाई स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा कुआं है ना, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है आप बहुत जल्दी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री हैज रिटर्न टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर्स। 11 साल के बाद जो है वापस से जो है ये रिटर्न हुआ है, इसराइल है, ईरान है, सीरिया है या UAE है, जल्दी से कमेंट करिए।
वेरी गुड बेटा, सीरिया इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। तो अरब लीग मेंबर स्टेट्स हैव एग्रीड टू रीस्टेंड सीरियाज मेंबरशिप आफ्टर इट्स सस्पेंशन मोर देन 10 ईयर्स। तो 10 साल का जो है सस्पेंशन लगा था, वापस से जो है सीरिया आ गया। द कंट्री वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग इन 2011 ड्यू टू डैमेस्कस एक्शन अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट दैट स्टार्टेड अर्लियर दैट ईयर। ठीक है, तो कुछ कांड हुआ था 2011 में, इसकी वजह से जो है इनको बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच सिटी इंट्रोड्यूस द 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान। किस सिटी ने जो है इंट्रोड्यूस किया है 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। अच्छा सवाल है, इधर आंसर फटाफट आ रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर शिमला होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शिमला होगा। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख ही लेते हैं। 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन शिमला टू ईज ट्रैफिक वूज ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू मिनिमाइज द टाइम टेकन बाय अ व्हीकल ड्राइवर टू क्रॉस शिमला पीक आवर्स फ्रॉम द करंट 60 to 90 मिनट्स टू 50 मिनट। हाँ, तो आते हैं नेक्स्ट क्लास पर बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास कह रहा ना। चलो इसे कर लेते हैं, तो इसका आंसर शिमला होगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टगीन लैंग्वेज इज प्रीवेलेंटली स्पोकन इन विच स्टेट या यूटी। टगीन जो लैंग्वेज है बेटा, ये किस स्टेट या यूटी में जो है आपका बोला जाता है। तो आसाम में बोला जाता है, कि सिक्किम में बोला जाता है, कि अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, या मेघालय में बोला जाता है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए आप लोग, टगीन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। तो द ट्रेलर ऑफ द फिल्म लव इन 90s वाज रिलीज रिसेंटली बाय यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका, किरेन रिजिजू। इट इज द फर्स्ट मूवी बेस्ड ऑन टगेन कम्युनिटी, है ना, ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो टगेन लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। एज पर यूनियन मिनिस्टर, लव इज इन 90s शैल बी टैक्स फ्री एंड दैट विल आस्क स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट इट थ्रू अदर मींस, है ना। तो जो लव इन 90s है बेटा, इसको प्रमोट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और कौन बेटा, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें टगेन कम्युनिटी जो कि लैंग्वेज बोलती है टगेन, ठीक है, उस पर जो है मूवी बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ से एक और सवाल बन गया, कि जो टगेन कम्युनिटी है, वो कहाँ पर पाई जाती है। वो पाई जाती है बेटा कहाँ पर, जल्दी से दो आंसर, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक साइबर एनकाउंटर्स। तो साइबर एनकाउंटर्स के ऑथर कौन है। हाँ, जल्दी से कमेंट करिए अपन लोग, अशोक कुमार, अरुण कुमार, अलोक कुमार, या अलविन कुमार। देखो बेटा, कुमार सब में कॉमन है ना, और ए सब में है। ठीक है, उसका क्या आंसर होगा, जल्दी से दीजिए। कभी कभी ऑप्शंस भी बड़े खतरनाक बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर अशोक कुमार होना चाहिए। लेट्स सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। अ बुक टाइटल साइबर एनकाउंटर वाज रिलीज रिसेंटली बाय उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, है ना। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है बेटा, पुष्कर सिंह धामी। इट वाज रिटन बाय डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार। ठीक है ना, उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं उनका नाम क्या है बेटा, अशोक कुमार, जिन्होंने जो है साइबर एनकाउंटर्स नामक बुक जो है लिखी है, एंड फॉर्मर डीआरडीओ साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। ठीक है, दिस बुक हैज बिन रिटन आफ्टर एनालाइजिंग साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स को एनालाइज करने के बाद, एंड बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स।
इट विल हेल्प रीडर्स अ लॉट टू अवॉइड साइबर क्राइम। ठीक है, तो ये जो किताब है बेटा, ये रीडर्स को काफी ज्यादा मदद करेगी कि बाई चांस या भूले से या जैसे भी बेटा, ना जाने अनजाने में कोई साइबर क्राइम वो ना कर दे। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा जो है फायदा होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? अशोक कुमार। ठीक है ना? और किसने बेटा रिलीज की है? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामनी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे बेटा। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल ईस्ट एशिया? तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है बेटा रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, है ना, जिसका नाम क्या है? मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल ईस्ट इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट होगा IMF। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन, ये तो कुछ और का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये आप लोग एक्सप्लेनेशन गलत हो गया है। ठीक है, बस ये आप लोग क्वेश्चन लिखो और ये जो है आप आंसर लिख लो बेटा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इसका आंसर लिख लो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का। ठीक है, और कोशिश करो साथ साथ लिखने की, जितना ज्यादा साथ साथ लिखो उतना बढ़िया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। मैंने आप लोग के लिए कुछ चीजें जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में ना, इमेज के फॉर्मेट में भी जो है लगा रखी है। ठीक है, तो कुछ अपॉइंटमेंट है, जैसे IPS ऑफिसर प्रवीण सूद अपॉइंटेड एज नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ CBI, क्राइम ब्यूरो, क्राइम क्राइम नहीं, सेंट्रल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो है नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इनका नाम क्या है? प्रवीण सूद। ये फोटो लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो, 15 मई की ही न्यूज है। ठीक है, तो मिस्टर सूद इज करेंटली सर्विंग एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो है डायरेक्टर जनरल जो है की तरह जो है ये अभी काम में लगे हुए हैं। ठीक है, ही विल सक्सीड इनकम्बेंट CBI डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है बेटा कि जो अभी नए प्रवीण सूद जो है बने हैं डायरेक्टर, है ना, वो किसको रिप्लेस करके बने हैं? तो बेटा सुबोध कुमार जायसवाल को रिप्लेस करके बने हैं। नोट डाउन करिए आप लोग। ठीक है, और जिसको जो भी चीजें पूछनी हो वो चैट बॉक्स में कमेंट कर सकता है बेटा। चैट बॉक्स लाइव है और चैट बॉक्स में हम आपको जवाब जो है दे देंगे, रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इन सबको नोट करते हुए चलो और अपने फ्रेंड्स वगैरह में जरूर शेयर किया करो बेटा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? तुंगनाथ टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विद स्टेट या यूटी? तुंगनाथ टेम्पल जो है बेटा, जो कि रिसेंटली जो है न्यूज में देखा गया है, वो किस स्टेट में है? तुंगनाथ टेम्पल, उत्तराखंड है ऑप्शन में, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है। तो करेक्ट आंसर उत्तराखंड होना चाहिए। तुंगनाथ टेम्पल एन एंशियंट टेम्पल सिचुएटेड इन उत्तराखंड इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। तो इसे बेटा अभी नेशनल मॉन्यूमेंट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यही है बेटा कि क्यों जो है ये न्यूज में था, इसे नेशनल मॉन्यूमेंट जो है डिक्लेयर करने वाले हैं। इट इज थर्ड ऑफ फाइव पंच केदार्स ऑफ उत्तराखंड, है ना, तो पांच केदार्स में से इसका नाम तीसरे में आता है। तुंगनाथ माउंटेन्स फ्रॉम मंदाकिनी एंड अलंग फॉर्म्स दी मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर वैली। भाई घाटी क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच का जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अपन लोग घाटी कहते हैं। ठीक है, या वैली कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बीच में जो है ये पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे करके मैंने 40 क्वेश्चन लगा रखे हैं और 40 के 40ों क्वेश्चन जो है आप लोग को करना है ना, लग जाओ बिल्कुल मन लगा के बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? ऑपरेशन त्रिनेत्र वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट या यूटी? ऑपरेशन त्रिनेत्र कहां पर जो है कंडक्ट किया गया है? वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब। कमेंट करिए फटाफट, आपके पास 5 सेकंड है सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, अभी थोड़ा पहले आ गया है।
एक्सप्लेनेशन. ऑपरेशन त्रिनेत्र इज अ मैसिव सर्च ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च टू हंट डाउन टेररिस्ट. टेररिस्ट को जो है मार गिराने के लिए जो है ये ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया है. कहां पर बेटा? जम्मू एंड कश्मीर राजौरी वाले जो है भाग में. ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन अ टोटल ऑफ 5 सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ्स. 5 सोल्जर जो है इसमें अपनी जिंदगी जो है गंवा चुके हैं. इट वॉज कंडक्टेड बाई इंडियन आर्मी अलॉन्ग विद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के साथ और जो भी जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस है उसके साथ. ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्यों चलाया गया है बेटा? तो टेररिस्ट को मार गिराने के लिए. और इसमें अभी तक की 5 सोल्जर्स हमारे भारत के क्या हो चुके हैं? शहीद हो चुके हैं. चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ. विच यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज द इको एग्जीबिशन? ECHO, इको एग्जीबिशन किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? आंसर दीजिए. वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जल शक्ति, हाउसिंग, होम अफेयर्स एंड डिफेंस मिनिस्ट्री. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा होम वुमेन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स. ठीक है, तो इको का पहले फुल फॉर्म आप लोग लिखोगे. इको का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमी विद सेल्फ क्लाइमेट एंड हेल्थ लीड्स टू ग्रेटर अपॉर्चुनिटी. काफी बड़ा जो है इसका फुल फॉर्म है. फिर से बोल रहा हूँ, इकोनॉमी विद सेफ क्लाइमेट. ई से इकोनॉमी विद सेफ हो गया, ई सी से क्लाइमेट हो गया, एस से हेल्थ हो गया और ओ से अपॉर्चुनिटीज हो गया. एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलेबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ठीक है, इट वॉज ऑर्गेनाइज एट द साइड लाइन्स ऑफ द थर्ड डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG मीटिंग ऑफ G20. है ना, G20 मीटिंग का जो थर्ड डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है उसके साइड लाइन, उसके साइड बाई साइड जो है इसको लॉन्च किया है. नोट डाउन करते हुए चलोगे आप लोग, आगे की तरफ बढ़ेंगे. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में लिख सकते हो, या फिर आप लोग एक बार देख लो फिर दोबारा जो है देख लेना. ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. MOHUA, मोहुआ हैज साइंड अ MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन 2.0. है ना, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मोहुआ ने स्वच्छ भारत मिशन शहर 2.0 के तहत तकनीकी सहायता के लिए, इसको थोड़ा सा मैं अपने आप को हटा देता हूँ, के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्या वो इसरो है, क्या वो DRDO है, क्या वो RITES है, क्या वो इंडियन आर्मी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा RITES. राइट्स, राइट्स जो है इसका करेक्ट आंसर है. नोट डाउन करोगे आप लोग, मैं एक्सप्लेनेशन लगा देता हूँ. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद राइट्स. MOU का फुल फॉर्म ही पूछा जा चुका है. इसके साथ जो है राइट्स के साथ, राइट्स लिमिटेड फॉर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट कौन देने वाला है बेटा? RITES. एंड यूज वाटर मैनेजमेंट, तो जो भी जो है आपका यूज वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए अंडर स्वच्छ भारत. ठीक है, अंडर दिस MOU राइट्स विल हेल्प स्टैंडर्डाइज processes and design facilities for solid waste and used water management in towns with population of below 1 lakh. तो 1 लाख से कम वाले जो population वाले हैं बेटा उनमें जो है ये आपके help करने वाले हैं. Note down कर लीजिए आप लोग. ठीक है, Ministry of Housing Affairs ने rights के साथ क्या किया है बेटा? MOU sign किया है Ministry of Understanding. चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे पहले अपनी शक्ल दिखा देते हैं. विच इज दी फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रेन? चलिए बेटा इसका आंसर तो सबका आना चाहिए. कौन सा स्टेट है बेटा, कौन सा राज्य है जिसने जो है बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड जो है शुरू किया है देना? उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बताओ बेटा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश.
क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर? यूपी। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी। ठीक है, लखनऊ स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया, लखनऊ का उत्तर प्रदेश में। द इनिशिएटिव मेक्स उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, मुबारक हो यू उत्तर प्रदेश वाले और जो लखनऊ हो उनको भी। ठीक है, ये हम लोग बेटा पहले राज्य बन गए हैं जो बच्चों को जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है दे रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। गैलापागोस, थोड़ा सा आप प्रोनाउंसिएशन फिर से कर लेते हैं। गैलापागोस आइलैंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड नेचर हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच कंट्री। कहाँ पर है बेटा? इसके अलावा बहुत ही जल्दी जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं बेटा इंडिया के, है ना, उनका जो है लेक्चर में लेने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। ठीक है, जस्ट जब भी टाइम मिल जाएगा इस वीक के एंड तक की आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, या पहले भी मिल सकता है ना, तो उसको भी आप लोग अटेंड कर लेना कि कौन कौन से जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होते हैं भी उसमें बताएंगे। बट अभी जो क्वेश्चन है बेटा वो है, गैलापागोस आइलैंड या द्वीप किस देश में स्थित है जो कि एक यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इक्वाडोर, है ना, इक्वाडोर इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं, गैलापागोस आइलैंड रिमोटली सिचुएटेड आइलैंड इन इक्वाडोर इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्रेडिट्स यूज एन इक्वाडोर गवर्नमेंट हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर 2 decades टू प्रोटेक्ट दीज आइलैंड्स, है ना। तो यहाँ के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा 2 साल 2 decades से यानी कि 20 सालों से लगातार जो इक्वाडोर की गवर्नमेंट है और आपकी क्रेडिट स्यूज की जो गवर्नमेंट है बेटा वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है खर्च कर चुकी है यहाँ के इकोसिस्टम को बचाने के लिए, क्योंकि तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, है ना, हमें अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जितना भी हो सके वो करना चाहिए, है ना, जो अपने दम पे हो सके वो करना चाहिए। पेड़ लगाइए, साफ सफाई, अगर कहीं पर मान लीजिए कहीं रोड पर कूड़ा करकट या कुछ पड़ा हुआ है तो अगर आपके पास, कहने का मतलब है समय, मान लीजिए ईटा पड़ा हुआ है लोग निकल जा रहे हैं तो ईटा वगैरह आप साइड कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो। ठीक है, एक अच्छे नागरिक बनिए। ठीक है, आप बनोगे तो धीरे धीरे बाकी भी जो है बन जाएंगे। ये नहीं देखना है कि वो नहीं कर रहा तो हम काहे करें। ठीक है, आप खुद अच्छा बनो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच इंस्टीट्यूशन इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी? बताइए बेटा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि इंश्योरेंस कंपनियों का रेगुलेटर है? RBI है, IRDAI है या PFRDA या SEBI है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा IRDAI। ठीक है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI का फुल फॉर्म ही यही है। द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज प्लानिंग टू टाइटन रेगुलेशन ऑन इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है। अभी मैं क्लास ले रहा था, क्लास में जो एक का फोन आता है IDFC से और फटाक से जो कह रहे हैं कि जो है सर आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमारी कंपनी ऑफर कर रही है 10 लाख का 15 लाख का, इस प्रकार से। ठीक है, और जबकि जो है मैंने बताया कि जो है मेरा ऑलरेडी जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है हो रखा है कंपनी के थ्रू, कहें लेकिन कंपनी थ्रू नहीं, आप यहाँ से कराइए, यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा जो है किया जाता है और फोन करके परेशान भी किया जाता है, तो एक अच्छा काम कर रही है बेटा। दीज न्यू रूल्स विल असाइन हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन सीनियर मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरर इन डिजाइनिंग एंड अप्रूविंग मीडिया कंपेरिजन दैट प्रमोट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको भी जो है लिख लीजिए। नेक्स्ट है बेटा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया एंड ओबेरॉन आर 4 moons ऑफ विच प्लैनेट? बताइए बेटा, एरियल है, अम्ब्रियल है, टाइटेनिया है एंड ओबेरॉन किस ग्रह के जो है 4 सैटेलाइट्स हैं?
या फिर मून है बेटा। तो देखो कुछ कुछ चीजें तो बेटा आप ऐसे ही उड़ा दोगे, वीनस नहीं होगा, जुपिटर नहीं हो गया, बच गया सैटर्न और यूरेनस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर यूरेनस होगा, समझ गए? अ न्यू स्टडी बाय नासा साइंटिस्ट रिवील द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर बीइंग डीप ओशंस। क्यों बेटा ये सब पूछा जा रहा है? क्योंकि अभी न्यूज में है, क्योंकि नासा ने जो है अभी यहाँ पर डीप ओशंस बीनीथ द आइस कैप सर्फेसेस ऑफ फोर लार्ज मून्स जो है पाए हैं। दीज मून्स आर एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया एंड वगैरह। दिस इज द स्टडी की दिस इज द फर्स्ट स्टडी इज द फर्स्ट टू डेल्व इन टू द इवोल्यूशन ऑफ दीज मून्स इंटीरियर स्ट्रक्चर कंपोजिशन। इसके बारे में जो है ये लोग स्टडी करेंगे नासा वाले। ठीक है, अभी हम लोग अपने बारे में ज्यादा जान नहीं पाए, कहने का मतलब क्या, अपने अर्थ का जो वाटर बॉडीज है बेटा उसके बारे में ये कहा जाता है कि 5 से 10% ही नॉलेज है। तो अभी अपनी धरती के बारे में हम लोग उतना नहीं जान पाए जितना हम लोग जो है अभी जान रहे हैं किसके बारे में, स्पेस के बारे में। ठीक है क्लास, तो आगे बढ़ेंगे। What is the name of world's first robotic check-in assistant that was launched by Emirates? तो दुनिया के पहले रोबोटिक चेक-इन सहायक का नाम क्या है जिसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है लॉन्च किया है? क्या वो सारा है, क्या वो कीवी है, क्या वो सीरी है, क्या वो रीनी है? हाँ आंसर दीजिए आप लोग। हाँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सारा। सारा इज दी वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। इट वॉज अनवील्ड रिसेंटली बाय द दुबई बेस्ड एयरलाइंस एमिरेट्स। द सिस्टम इज पार्ट ऑफ न्यू सिटी चेक इन एंड ट्रेवल स्टोर दैट इज सेट टू लॉन्च इन दुबई। सारा विल मैच कस्टमर्स फेसेस विद स्कैन पासपोर्ट, चेक पैसेंजर इन एंड गाइड देम टू लगेज ड्रॉप एरिया। ठीक है, तो ये आपका जो है गाइड करेगी और एक प्रकार की ये रोबोट है। ठीक है, जो कि कहाँ पर बेटा? दुबई में जो है हम लोग को मिलने वाली है ना एयरपोर्ट पर। ये हम लोग को गाइड वाइड करेगी लगेज वगैरह कहाँ है, कहाँ रख सकते हैं ये सब। तो बढ़िया है, स्कैन करेगी पासपोर्ट वगैरह भी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वाइज तो काफी आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग, बहुत ही अच्छी बात है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया लॉन्च द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विद विच कंट्री? इंडिया ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर किस कंट्री के साथ लॉन्च किया है? यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है या साउथ कोरिया? आंसर दीजिए आप लोग। हाँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? यूके। देख लेते हैं। द इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विल बी जॉइंटली क्रिएटेड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। ठीक है, इट विल प्रमोट कोलैबोरेशंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स फ्रॉम इंडिया एंड द यूके टू वर्क ऑन फोकस एरिया लाइक डी कार्बोनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, ग्रीन हाइड्रोजन एडॉप्शन एंड मोर। क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए और उस क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशंस के लिए आप लोग क्या करिए बेटा, एक्सप्लेनेशंस के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कर सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लो यार। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लो, मैं पानी पी लेता हूँ एक मिनट। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। नाउ इसको भी समझ लेते हैं, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस के ऊपर। राजीव चंद्रशेखर टू अटेंड फर्स्ट मिनिस्टेरियल मीट ऑफ इंडो ईयू ट्रेड। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जो है अटेंड करने वाले हैं फर्स्ट मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑफ इंडो ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इन ब्रुसेल्स। कहां पर करेंगे? तो ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अच्छा है, कहां पर करेंगे, कौन करने वाला है, किसके साथ करने वाला है, कहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रुसेल्स में करने वाले हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, एम क्या है बेटा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्कशन इज टू शेयर पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिसीज दैट कैन क्रिएट मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड कोलेबोरेशन बिटवीन ईयू एंड इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आपका करने वाले हैं कि कैसे जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है टेक्नोलॉजी जो है डेवलप किया जाए, उसमें इन्वेस्ट
इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या है बेटा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो है बेटा, है ना, और ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो सब कुछ सही भी रहेगा और इन्वायरमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मूव करेंगे अपन लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंट्री कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क किस संस्था से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WEF या ADB। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर ये होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स पार्टनरशिप फ्रेमवर्क सीक्स टू एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी विद सस्टेनेबिलिटी इन माइंड। ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 1.25 बिलियन USD फॉर अंडरटेकिंग 3 प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश टू हेल्प कंट्री अचीव आर रेजिलियंट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। अच्छी बात है, वर्ल्ड बैंक अच्छा काम कर रहा है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट बिगैन द सर्वे ऑफ पीपल फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस आफ्टर बिहार। ठीक है ना, तो किस जो है स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है बेटा ओबीसी क्लासेस का सर्वे, तो उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, केरला है या तमिलनाडु है। कमेंट करिए आप लोग, जिनका भी आंसर सही आ रहा है उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पढ़ रहे हो ठीक है और आप सही ट्रैक पर चल रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन से आप लोग को ये भी पता चल रहा होगा कि आप कितना पानी में हो, आप पढ़ाई कितना कर रहे हो। तो आगे चल के बेटा बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं एसएससी सीजन से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी जो हम करवाने वाले हैं। ठीक है, बट यही है कि धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ, लेकिन सब जो भी चल रहा है बेटा एकदम वो कहते हैं ना कि बिल्कुल तोल मोल के चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, कोई आलतू फालतू चीजें नहीं, कंटेंट बहुत ज्यादा जो है दमदार है, बने रहो आप लोग साथ साथ। तो उड़ीसा गवर्नमेंट, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया था मैंने, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। द उड़ीसा गवर्नमेंट रिसेंटली बिगेन द सर्वे ऑफ पीपल फ्रॉम दी अदर बैकवर्ड या ओबीसी बिलोंगिंग टू 210 कास्ट इन द स्टेट टू डिटरमाइन देयर सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस। क्यों जो है किया है, तो उनका सोशल और एजुकेशनल स्टेटस जो है चेक करने के लिए। एज पर स्टेट एससी एंड एसटी एंड ओबीसी द सर्वे हैज एन एम टू गेट क्लियर पिक्चर अबाउट स्टेटस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना, तो यहाँ की सरकार को पता चलता है कि कितने जो है सोशली वीक हैं और कितने जो है एजुकेशनली वीक हैं, इसलिए जो है चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री होस्टेड द एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। किस देश ने जो है होस्ट किया है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड या म्यांमार। कमेंट करिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर सिंगापुर होना चाहिए। द हार्बर फेज ऑफ इनॉग्रेटेड एशियन इंडियन मैरिटाइम एक्सरसाइज IME का फुल फॉर्म है, शेड्यूल टू बी हेल्ड एट चांगाई नवल बेस ऑफ सिंगापुर नेवी। ठीक है ना, तो कहाँ पर होगा बेटा, चांगाई नवल बेस। इंडियन नेवल शिप्स सतपुड़ा एंड दिल्ली अराइव एट सिंगापुर टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज। ठीक है, द सी फेज विल बी कंडक्टेड इन द साउथ चाइना सी। कहाँ पर कंडक्ट होगा बेटा, साउथ चाइना सी में कंडक्ट होगा। AIME 2023 विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन नेवी एंड एशियन नेवीज टू वर्क टुगेदर क्लोजली। ठीक है ना, एक साथ जो है ये क्लोजली काम करें, तो नोट डाउन इसको भी आप लोग कर लीजिए, आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज दी एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। कौन सी संस्था ने एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया है, DRDO, इसरो या ब्रो। ब्रो का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बार्क। का करेक्ट आंसर ब्रो होना चाहिए, लेट मी चेक। एकता एवं
श्रद्धांजलि अभियान इज अ मल्टी मॉडल एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या ब्रो के द्वारा जो है किया गया द एक्सपीडिशन इज ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ 64th ब्रो डे सेलिब्रेशन इन 2022-23 द ब्रो कंप्लीटेड 103 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट द मोस्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिंगल ईयर. एक साल में जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया गया है. ठीक है, कितना? 103 ब्रो के द्वारा. ठीक है, और इसी ने जो है शुरू किया है क्या एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान. आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे. जरा फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा, नोट्स आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? वेरी गुड, शाबाश, जो भी नोट्स बना रहे हैं, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? स्टोन ऑफ स्कोन व्हिच वाज रिसेंटली मूव्ड टू लंदन वाज ओरिजिनली इन व्हिच प्लेस. स्टोन ऑफ स्कोन जिसे हाल ही में स्थानांतरित किया गया था लंदन, लंदन मूल रूप से किस स्थान पर था? क्या वो स्कॉटलैंड का है, वेल्स का है, आयरलैंड का है या नॉर्वे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? तो एक तरीके का बेटा स्टोन ही है, सैंडस्टोन है, रेड सैंडस्टोन. तो ये जो है लंदन में जो है शिफ्ट किया गया है कहां से? स्कॉटलैंड से. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कॉटलैंड होगा. द स्टोन ऑफ स्कोन आल्सो रेफर्ड टू एज स्टोन ऑफ डेस्टिनी. वाओ, नाम अच्छा है. इज अ रेड सैंडस्टोन स्लैब वेइंग 150 kg. कितना है? 150 kg. दिस स्टोन हैज बीन अ सैक्रेड, मतलब इसे जो है रिलीजियस माना जाता है, एंड सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ स्कॉटलैंड मोनार्ची एंड नेशनल आइडेंटिटी. इट वॉज मूव्ड रिसेंटली फ्रॉम स्कॉटलैंड एडिनबर्ग कैसल टू लंडन इन प्रिपरेशन फॉर किंग चार्ल्स थर्ड कोरोनेशन, है ना? तो किंग चार्ल्स थर्ड थर्ड के कोरोनेशन के लिए जो है इसे कहाँ? लंडन में जो है शिफ्ट किया गया है, स्थानांतरित किया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा. इंडियन ओरिजिन एक्टर राइटर मीरा सयाल रिसेंटली रिसीव्ड विच प्रेस्टीजियस अवार्ड? बताइए बेटा, क्या वो बाफ्टा है, गोल्डन ग्लोब है, ग्रैमी है ना, या एकेडमी अवार्ड है? क्या नाम है बेटा? मीरा सयाल. चलिए तो मूव कर लेते हैं बेटा आगे की तरफ. इसका करेक्ट आंसर बाफ्टा होगा. ठीक है, द बाफ्टा फेलोशिप इज द मोस्ट प्रेस्टीजियस एक्लेड गिवन बाय द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स. बाफ्टा का फुल फॉर्म भी लिख लेना बेटा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स. टू एन इंडिविजुअल इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू फिल्म. ठीक है, तो सबसे पहली बात, फिल्म में जो है ये दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जाता है ना. बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स. ठीक है, इट वाज रिसीव्ड रिसेंटली बाय यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर, है ना, उनका नाम क्या है? मीरा सयाल. मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स विल बी सेटअप इन विच स्टेट या यूटी? तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली और या पंजाब? तो करेक्ट आंसर बेटा वो होगा जो सरकार सबसे बढ़िया काम कर रही है. ठीक है, तो आंसर दीजिए बेटा आप लोग. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? दिल्ली होना चाहिए, न्यू दिल्ली. दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज अप्रूव द प्रपोजल टू सेट अप न्यू इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स. दिस प्रपोज स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी विल होस्ट न्यू ऑफिसर्स मैस एंड कैंप. द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अप्रूव द प्रपोजल टू रिमूव 114 ट्रीज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट. 114 ट्रीज को भी जो है हटाया जाएगा. ये सही है, नोट डाउन इसको कर लीजिए आप लोग फटाफट.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल पुलिस मिशन, इसे एनपीएम कहते हैं, इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट या यूटी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल पुलिस मिशन एनपीएम कहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया गया है? न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब या गोवा? ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होने वाला है? इसका आंसर भी होगा न्यू दिल्ली। है तो फोर्थ कौन सा हुआ है? फोर्थ हुआ है ऑफ नेशनल पुलिस मिशन एनपीडब्ल्यू वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। इश्यूज लाइक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, मोबाइल सीसीटी एनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, यूज ऑफ ड्रोन्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल रिक्रूटमेंट बोर्ड्स फॉर टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल पुलिस मिशन। तो कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे बेटा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग कैसे करें, ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करें, है ना, यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल कैसे करें। तो ये जो है 8 जो है की टॉपिक्स रहेंगे इसमें डिस्कशन के। ठीक है, नोट डाउन आप लोग करिए। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, 10-11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक ही बार में आप लोग कर लीजिए, दोबारा आप लोग को फिर नहीं आना पड़ेगा। चलिए बेटा मूव करेंगे आगे की तरफ हम लोग। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जगन्नाथ चेबुदम स्कीम? स्कीम का नाम बड़ा खतरनाक है बेटा, या फिर से पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए मन में। जगन्नाथ चेबुदम योजना या स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीवांस रीएड्रेसल है, या फिर स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल एड टू वेमेन, या फाइनेंशियल एड टू ट्रांसजेंडर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा पढ़ लेते हैं एक बार। जगन्नाथ चेबुदम स्कीम इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, है ना। तो ये जो ग्रीवांस के जो रीएड्रेसल है बेटा, इनका जो है आपका काम होगा। और ये बेटा इट विल बी लॉन्च ऑन 9 मई बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, द इवेंट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्पंदना प्रोग्राम। ठीक है, तो ये किसका जो है अपग्रेडेड वर्जन है? स्पंदना प्रोग्राम का जो है अपग्रेडेड वर्जन है। न्यू रीएड्रेसल हेल्पलाइन 1092 हैज एडिशनल फीचर्स लाइक इनपुट्स ऑन गवर्नमेंट स्कीम और शेयरिंग अ मैसेज डायरेक्टली टू चीफ मिनिस्टर। ये बढ़िया है यार, सीधे जो है चीफ मिनिस्टर को मैसेज जो है सेंड कर सकते हैं। बढ़िया किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, साउथ में काम अच्छा हो रहा है बेटा। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, बढ़ेंगे बेटा अपन लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट कह रहा है पिगमाई हॉग द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ पिग इन द वर्ल्ड इज एंडेमिक टू विच कंट्री? पिगमाई हॉग पिग की सबसे छोटी प्रजाति दुनिया के किस देश के लिए स्थानिक है, मतलब कहाँ पर पाई जाती है? श्रीलंका है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, या म्यांमार है? अफगानिस्तान तो नहीं होना चाहिए इसका आंसर, इंडिया भी नहीं होना चाहिए इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। श्रीलंका या म्यांमार, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? एंडेमिक टू, अच्छा इंडिया नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इंडिया होगा। सॉरी, पिगमाई हॉग एंडेमिक टू इंडिया इज द स्मॉलेस्ट स्पीसी ऑफ पिग इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे छोटी होती है स्पीसी। अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज थ्रेटनिंग पिग्मी हॉग एंड अदर एशियन वाइल्ड पिग स्पीसीज। ठीक है, तो अफ्रीका का ही जो है एक फीवर है जिसे स्वाइन फीवर कहते हैं, जिसकी वजह से जो है ये विलुप्त होने के कगार पर खत्म हो रहे हैं। ओवर द पास्ट 16 मंथ कैमरा ट्रैप्स हैव रिकॉर्डेड 0 हिट्स ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब्दुल्ला अबू बकर हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, मतलब इनको जो है न्यूज में रिसेंटली देखा गया। सॉरी,
प्लीज विच स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं भैया? ट्रिपल जंप है, जैवलिन थ्रो है, स्विमिंग है या चेस है? अब्दुल्ला अबू बकर। चेस इसमें से बहुत बढ़िया गेम है ना, मजा आ जाती है। हालांकि सारे गेम बहुत अच्छे होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करिए आप लोग। तो कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर मेडलिस्ट ट्रिपल जंपर अब्दुल्ला, तो क्या है बेटा ट्रिपल जंप मारते हैं ये झमाझम। वॉन गोल्ड मेडल इन निकियो ओबा मेमोरियल एथलेटिक्स मीट इन हिरोशिमा जापान, ठीक है। इट वॉज द सीजन बेस्ट एफर्ट ऑफ 16.131 मीटर ऑन सैटरडे। द 27-year-old फ्रॉम केरला हैज पर्सनल बेस्ट ऑफ 17.19, ठीक है मीटर। तो इनका पर्सनल जो बेस्ट है बेटा वो 17.19 मीटर है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने 16.31 मीटर मार के भी जो है जीत लिया है ना। ट्रिपल जंप में 3 बार जंप मारते हैं और आपका जो लॉन्ग जंप होता है बेटा उसमें एक ही बार जो है जंप मारते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच साइंटिफिक टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेडिशनल एनिमल हेल्थ केयर, किस वैज्ञानिक शब्द का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है पशु स्वास्थ्य, है ना। तो बताइए, एथनो वेटरनरी मेडिसिन, आयुर पशु मेडिसिन, एथनो पशु मेडिसिन, एनसीएट वेटरनरी मेडिसिन। तो वेटरनरी का मतलब ही क्या होता है बेटा, जीव जंतुओं से रिलेटेड बात होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एथनो वेटरनरी मेडिसिन, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है एथनो वेटरनरी मेडिसिन। इट इज साइंटिफिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब ट्रेडिशनल एनिमल हेल्थ। तो बेटा कभी कभी आपको आंसर नहीं पता होता है, फिर भी आपको अगर उसके जो टेक्निकल टर्म्स है वो पता होगा तो आप सही टिक कर दोगे। समझ में आ रही बात? तो टेक्निकल टर्म्स को पढ़ो, जितना ज्यादा नॉलेज होगा आपको उतना ज्यादा फायदा है। यूज टू डिस्क्राइब ट्रेडिशनल एनिमल हेल्थ केयर, इट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू एलोपैथिक ड्रग्स एंड हेल्प एड्रेस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया, है ना। एथनो वेटरनरी मेडिसिन हैव अ क्योर रेट मोर देन 80% वाओ, एज पर एन एनालिसिस बाय सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो इसको आप लोग फटाफट जो है नोट डाउन करो, आप लोग को कुछ 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। हाँ चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच स्टेट या यूटी द मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MEC वाज इनॉगरेटेड, किस राज्य या किस यूटी में MEC का जो है इनॉगरेशन किया गया? आसाम, न्यू दिल्ली, कर्नाटका या केरला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए। न्यू दिल्ली बेटा, ज्यादातर चीजें न्यू दिल्ली में हो रही हैं। मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर MEC इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी इनॉगरेटेड एट दिल्ली हार्ट INA न्यू दिल्ली, नाफेद इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स एस्टैब्लिश्ड द मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर, ठीक है। तो किसने जो है इसको जो है वो किया है, इस्टेब्लिश किया है? तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। इसके अलावा बेटा नाफेद ने किसके साथ कोलैबोरेशन करके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है। क्या एम है बेटा? एम टू रेज अवेयरनेस ऑन मिलेट्स, मिलेट्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एंड एनकरेज इट्स एडॉप्शन अमंग जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक में जो है ये एडॉप्शन मतलब लोग जो है इसका यूज करें, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहान मेला स्टेट इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय दी कोंथ ट्राइब इन विच स्टेट। बिहान मेला है ना, बिहान मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? तो कोंथ ट्राइब के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो मध्य प्रदेश होगा या उड़ीसा होगा या झारखंड होगा या वेस्ट बंगाल होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, तो उड़ीसा होगा, ठीक है।
बिहार मेला इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय दी कुंद ट्राइब इन उड़ीसा नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लिटरली नोन एज सीड फेस्टिवल। अच्छा ठीक है बेटा, बिहार मेला को और क्या कहते हैं? सीड फेस्टिवल भी कहते हैं। इट हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस 2019। इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख ले अच्छे से इसको, स्टार बना के। द इवेंट इज प्रैक्टिस पार्टिसिपेटेड बाय फार्मर्स फ्रॉम एज मैनी एज 40 विलेजेस इन दसापाला रीजन सराउंडेड बाय हिल्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, नोट डाउन करिए। 5 सवाल और बचे हुए हैं, 5 सवाल और कर लेते हैं फटाफट, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु प्लेस टू पे इन केस द कंपनी इज वाउंड अप। कहने का मतलब क्या है बेटा? वो कौन सा कंपनी है ना, जो कि ओन किया गया इंडिविजुअल से, वो लोगों ने कसम खाई है, प्लेज की है कि अगर जो है ऐसा कुछ होता है तो कंपनी जो है पे कर। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, या लिमिटेड लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा इसका? कंपनी लिमिटेड गारंटी होना चाहिए, है ना? अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु प्लेज टू पे सर्टेन अमाउंट इन केस द कंपनी इज वाउंड अप, अगर बंद हो जाती है तो। दिस स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर एनी प्रॉफिट अर्न आर री इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस एंड द मेंबर्स ऑफ दी गारंटर्स आर शील्डेड फ्रॉम डेब्ट्स इन केस ऑफ बैंकरप्टसी। ठीक है, तो नोट डाउन इसको भी कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। विच इंस्टीट्यूट, हाँ तो आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023? 2023 की जो आउटलुक रिपोर्ट है बेटा, किस संस्थान के द्वारा जो है आपकी लॉन्च की गई है या रिलीज की गई है? क्या वो IMF है, ADB है, WEF है, या IIB है? कमेंट करिए फटाफट आप लोग। हाँ, कुछ लोग के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF रिलीज द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023। एज पर द रिपोर्ट, हाई इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल टर्बुलेंस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्लोबली इन 2023, है ना? तो इन लोग के हिसाब से 2023 में भी जो है क्या होगा बेटा, क्राइसिस रहेगी। एक्सपर्ट्स आर इवनली डिवाइडेड ऑन द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी विद इक्वल शेयर्स ऑफ 45% सेइंग दैट ग्लोबल रिसेशन दिस ईयर इज लाइकली और अनलाइकली। तो इसमें से जो 45% लोग हैं वो कह रहे हैं कि ग्लोबल जो है आपका रिसेशन जो है इस वर्ष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे अपन लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अंजी ब्रिज Which was seen in the news is being built on which state? अंजी ब्रिज जो है किस स्टेट में जो है बनाया जाएगा? अभी हाल ही में जो है न्यूज पर है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, पंजाब है, या सिक्किम है? कमेंट करिए फटाफट आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए। तो अंजी ब्रिज इज इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय मे 2023। द ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ 326 किलोमीटर रेल लाइन कनेक्टिंग उधमपुर टू बारामूला वाया श्रीनगर, विच इज एन इंपॉर्टेंट कनेक्टर बिटवीन कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया वाया रेलवे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपीज आप लोग की चेक हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है किस स्टेट से जो है रिलेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, या वेस्ट बंगाल? क्वेश्चन सुना सुना लग रहा है, डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। देख लेते हैं,
डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी सुप्रीम काउंसिल एंटर्ड इनटू अ ट्राई पार्टनर मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द आसाम स्टेट गवर्नमेंट. दिस इंसर्जेंट ग्रुप वाज फाउंडेड टू क्रिएट अ सोवरेन इंडिपेंडेंट डिमासा नेशनल. तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा बेटा, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर आसाम होगा, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? काफी देर से लेक्चर है तो थोड़ा सा भूल मतलब थक गया, नोट डाउन करिए आप लोग बेटा. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेजोरिटी ऑफ गम अरेबिक इज सोर्स्ड फ्रॉम सोहे साहेल रीजन विच रन्स थ्रू विच कंट्री. अधिकांश गोंद अरबी कहां से प्राप्त करते हैं, है ना? इसराइल से, सूडान से, या साउथ अफ्रीका, या यूक्रेन से? हाँ, यूक्रेन और रसिया का फाइट कुछ याद आ रहा है आप लोग को? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर सूडान होगा. क्या होगा बेटा? सूडान. गम अरेबिक इज द की इंग्रेडिएंट फॉर फिजी ड्रिंक्स, कैंडी एंड कॉस्मेटिक्स. अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ गम अरेबिक इज सोर्स फ्रॉम दी अकेसिया ट्री इन साहेल रीजन विच रन थ्रू सूडान, ठीक है? द कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान है डिसरप्टेड द सप्लाई ऑफ क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट बार्स, रेड वाइन एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स. तो अभी हाल ही में न्यूज में है, इसीलिए जो है इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट, और जिसके मन में जो भी सवाल आ रहा है वो पूछ लीजिए, ठीक है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. खत्म हो गया है क्वेश्चन. अब अपन अब जो है इसको मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, और आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास. नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, और जल्दी ही रामसार साइट्स वगैरह करने वाले हैं हम लोग, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो करने वाले हैं. स्टैटिक जीके का पार्ट कंप्लीट कराने वाले हैं. इसके अलावा बेटा एसएससी सीजीएल के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है लॉन्च करने वाला हूँ मैं बहुत ही जल्दी. इसमें जो है आप लोग को 20, 30, 25 क्वेश्चन एक सेशन में करवाए जाएंगे जीएस के होंगे, ठीक है? मे बी मैथ्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैथ्स भी करवा सकते हैं. समय के साथ देखते हैं क्या होता है, ठीक है? बट एग्जाम होने से पहले आप लोग को काफी वीडियोस मिल जाएंगे सीखने के, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है क्लास? तो टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे. स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, पढ़ाई वगैरह करते रहो. बाय बाय.